अस्सलाम वालेकुम। चिकन फ्राई करते वक्त अगर मसाले चिकन से अलग हो रहे हैं, या आपका चिकन अंदर से सॉफ्ट नहीं बन रहा, या बाहर से भी क्रिस्पी नहीं बन रहा, और फ्राई करते वक्त चिकन जाके कढ़ाई को लग रहा है नीचे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं बहुत सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जब आप इन्हें फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका चिकन परफेक्टली फ्राई होगा, क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट, मसाले भी अलग नहीं होंगे। तो चलिए ये मज़ेदार क्रिस्पी चिकन फ्राई बनाना हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और मजेदार चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें डालिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन मैंने आधा किलो लिया है, चिकन के पीसेस छोटे कर लें। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। चिकन के पीसेस अगर आप बड़े रखेंगे तो फ्राई करने के बाद वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 नींबू का जूस, थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, गरम मसाला 1 टीस्पून। आखिर में हम इसमें 2 या 3 चुटकी कुकिंग सोडा डाल देते हैं। या आप कुकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। इससे चिकन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा अंदर से और बाहर से क्रिस्पी। इन सभी को मिक्स कर लें। चिकन में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसे हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या पूरी रात रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। इसमें हमने कुकिंग सोडा डाला है। कुकिंग सोडा और लेमन जूस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, इसकी वजह से चिकन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है मैरिनेशन के दौरान। एक बार आप कुकिंग सोडा डाल के ट्राई करें, आप खुद ही जान जाएंगे कितना अच्छा बनेगा। 1/2 घंटा हो चुका है। नेक्स्ट इसमें हम 3 टीस्पून बेसन डाल देते हैं, ग्राम फ्लावर यानी चने का आटा, 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टीस्पून मैदा, 2 या 3 चुटकी रेड फूड कलर डाल दें, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, 1 अंडा, ये अच्छी बाइंडिंग देगा। फ्राई करते वक्त चिकन से मसाले अलग नहीं होंगे। चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं। फिर से थोड़ा सा नमक डाल देते हैं हम। चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए रख के फ्राई कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी इसे फ्राई कर सकते हैं। चलिए हम तेल गरम कर लेते हैं। कढ़ाही में तेल गरम कर लें चिकन फ्राई करने के लिए। अक्सर लोगों का एक कंप्लेन रहता है कि चिकन फ्राई करते वक्त मसाले चिकन से अलग हो रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ थोड़े से टिप्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाही नॉनस्टिक ले लें, देखिए इस तरह से, और तेल ज्यादा लें। कम तेल में भी अगर आप फ्राई करेंगे तो मसाले अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर तेल थोड़ा सा भी हल्का सा ज्यादा गर्म ना हो तब भी मसाले अलग होने के चांसेस हैं। पहले तेल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लें। जब गरम हो जाएगा तब मीडियम फ्लेम पे रख दें। मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद ही चिकन के पीसेस को तेल में डालें। तीसरा टिप ये है कि मैरिनेशन के दौरान अंडा जरूर डालें, यानी चिकन के पीसेस के साथ अंडा मिक्स करें, बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा। अगला टिप ये है कि चिकन फ्राई करते वक्त जब आप चिकन के पीसेस को तेल में डालते हैं, 1 या 2 मिनट के लिए चिकन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, यानी स्पून इसमें डाल के चिकन को टर्न मत कीजिए। इस तरह से जल्दी टर्न करने से भी मसाले अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर उसे फ्राई होने दें। फ्राई होने के बाद जब मसाले अच्छे से चिकन को फिक्स हो जाएंगे तभी आप चिकन के पीसेस को टर्न करें। ये बहुत से मिस्टेक्स हो जाते हैं लोगों से, इसीलिए मसाले अलग हो जाते हैं। और जो मसाला है चिकन के साथ हम मिक्स करते हैं वो बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से गाढ़ा रखें, यानी चिकन को धोने के बाद उसमें जो पानी रहता है अच्छे से निकाल दें। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा मसाला डाल के देखें। देखिए ये अच्छे से गर्म हो चुका है, मसाला ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये है कि गर्म है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख के ही चिकन के पीसेस डाल दें। चिकन के पीसेस को बैचेस में ही फ्राई करें। अगर आप ज्यादा पीसेस डालेंगे तो एक दूसरे को लग जाएंगे और सही से फ्राई नहीं होंगे। 1 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। अब मैं फ्लेम को लो पे रख देती हूँ। लो फ्लेम पे भी हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए।
एक से दो मिनट हो चुके हैं, धीरे से इन्हें हम देख लेते हैं टर्न करके। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, मसाले भी अलग नहीं हो रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी बने हैं ये। बस एक 5 से 8 मिनट में ही फ्राई होके रेडी हो जाएंगे। चिकन फ्राई का पहला बैच हमारा तैयार है। लग रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा मजेदार, शायद आपका दिल कर रहा है कि यहीं से निकाल के एक पीस खा लें। देखिए अगला टिप हमारा ये है कि जब हम चिकन का फर्स्ट बैच तैयार कर लेते हैं, यानी फ्राई करके रेडी कर लेते हैं, उसके बाद तेल में डायरेक्टली चिकन के पीसेस डाल देते हैं बहुत से लोग। नहीं, इस तरह करने से भी मसाले अलग हो सकते हैं। हमें तेल को फिर से गर्म करना होगा हाई फ्लेम पे, क्योंकि चिकन फ्राई करने के बाद तेल ठंडा हो जाता है। सेकेंड बैच के लिए भी तेल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैं मीडियम पे रख देती हूँ और चिकन के पीसेस डाल देते हैं। इसमें हम थोड़े से करी पत्ता और हरी मिर्च भी डाल देते हैं, इसकी बहुत अच्छी खुशबू चिकन के अंदर आ जाएगी। थोड़ा सा दूर रह के डालिए, थोड़ी देर लो फ्लेम पे रख दें ताकि चिकन अच्छे से पक जाए अंदर तक भी। चिकन का दूसरा बैच भी तैयार है। देखिए ये भी कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ गई है इसमें। आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो जरूर डालिए करी पत्ता और हरी मिर्च। इन टिप्स के साथ अगर आपको क्रिस्पी चिकन फ्राई पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अस्सलाम वालेकुम।